हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेडियो केमिकल ट्रेसर टेक्निक्स के बारे में। कितनी तरीके की होती हैं तो उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखो, हम पढ़ रहे हैं रेडियो केमिकल ट्रेसर टेक्निक। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये होती क्या है, ठीक है। तो क्या होती हैं? दीज आर द मॉडर्न टेक्निक विच इज़ यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनालाइट प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट इन अ सैम्पल। जो बेसिकली जो रेडियो केमिकल ट्रेसर टेक्निक्स होती हैं उनका हम यूज़ किसके लिए करते हैं कि जैसे हमें कोई भी एक सैंपल दे दिया, उस सैंपल के अंदर जो हमारे पास क्या होता है, एक एनालाइट होता है, उस एनालाइट की बहुत ही कम कंसंट्रेशन होती है। बहुत ही क्या लिखा है इसने, एनालाइट प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट। वहाँ पर जो एनालाइट होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो उसको वहाँ से वेरीफाई करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, उनका पता लगाने के लिए हम रेडियो केमिकल ट्रेसर टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। क्या बताया मैंने कि कोई सैंपल है, सैंपल के अंदर जो एनालाइट प्रेजेंट होता है उस एनालाइट की कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी अमाउंट है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रेडियो केमिकल ट्रेसर टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि द बेसिक पैरामीटर विच इज़ मेजर दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी और चेंज इन रेडियो एक्टिविटी। और अब हम उसके अंदर बेसिकली मेज़र क्या करते हैं, हम उसकी या तो उसकी रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करते हैं या उसकी रेडियो एक्टिविटी में कितना चेंज आ रहा है उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। एनालाइट मे और मे नॉट हैव रेडियो एक्टिव पार्टिकल। अब और जो हमारा एनालाइट जो हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है वो रेडियो एक्टिव हो भी सकता है और रेडियो एक्टिव वो नहीं भी हो सकता, ठीक है। देर आर मैनी रेडियो एक्टिव टेक्निक्स, लाइक बहुत सारी रेडियो एक्टिव टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस हो गया, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस हो गया, रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशंस हो गई। तो ये सारे क्या हैं हमारे पास, ये सारी रेडियो केमिकल ट्रेसर टेक्निक्स हैं जिनका बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी सैंपल के अंदर जो एनालाइट प्रेजेंट होता है वो बहुत कम कंसनट्रेशन में होता है तो वो कितना है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। और वो क्या डिटरमाइन करता है, उसकी रेडियो एक्टिविटी को या फिर उसकी रेडियो एक्टिविटी के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको। जो एनालाइट हमने लिया था वो रेडियो एक्टिव भी हो सकता है या फिर वो नॉन रेडियो एक्टिव भी हो सकता है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक तीन तरीके की हो सकती है। एक होती है आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस, एक होता है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस और एक होता है रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो जो सबसे पहले हम आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे वो है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है कि दिस टेक्निक वॉज इन्वेंटेड इन 1947, ये 1947 के अंदर इन्वेंट की गई थी एंड इट हैज़ बिकम मोस्ट पावरफुल टूल इन साइंस एंड इंडस्ट्री। ये बहुत ही पावरफुल टूल माना गया साइंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मेथड यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेस क्वांटिटी ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ एलिमेंट्स। ट्रेस का मतलब होता है बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर कम, ठीक है। तो जो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस मेथड है ये 1947 के अंदर इन्वेंट किया गया। इसने जो इंडस्ट्रीज थी, साइंस का जो एरिया था उसके अंदर अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इस मेथड से हमने ना बहुत सारे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं उन सब के बारे में हमने क्या किया है, स्टडी किया है। तो ये हम बेसिकली, ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये 8 मार्क्स के अंदर आता है, या फिर अगर ये पूरा अगर पूरा पूछ ले ऐसे रेडियो केमिकल ट्रेसर टेक्निक्स बताओ तो 16 मार्क्स के अंदर आ सकता है। जैसे रेडियो केमिकल ट्रेसर टेक्निक तो हमें तीनों के बारे में लिखना होगा यहाँ से, अगर वो अलग अलग पूछता है तो वो 8 मार्क्स में देगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के बारे में इतना इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बता देंगे कि 1947 के अंदर हुआ है, मोस्ट पावरफुल टूल है इंडस्ट्री साइंस के अंदर और इसमें बहुत ही ज़्यादा ये सेंसिटिव है, स्पेसिफिक मेथड है, छोटे से छोटे वाइड रेंज के मतलब छोटे से छोटे एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड माना गया ये, ठीक है। अब हम इसका प्रिंसिपल और वर्किंग देख लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द पार्टिकल दैट रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आर मेड बाय बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन ऑन गिविंग एनालिटिकल सैंपल एंड द टारगेट सैंपल विल बिकम रेडियो एक्टिव।
देखो इस चीज़ का मतलब क्या है कि ये जो मेथड है ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ये मेथड बेस्ड है रेडियो एक्टिव पार्टिकल पे। हम पढ़ कर रहे हैं रेडियो केमिकल ट्रेसर टेक्निक, यानी इसमें जो बात होंगी वो किसी रेडियो केमिकल रेडियो एक्टिव पार्टिकल के बेसिस पे होंगी। तो इसी क्या कह रहा है कि जो रेडियो एक्टिव ये जो प्रिंसिपल है ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल के ऊपर बेस्ड है। रेडियो एक्टिव पार्टिकल किस कोई नॉर्मल पार्टिकल था उसको पहले हमने रेडियो एक्टिव बनाया। वो रेडियो एक्टिव किस तरीके से बनाया, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आर मेड बाय बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। हमारे पास कोई एक नॉर्मल पार्टिकल था, उस नॉर्मल पार्टिकल के ऊपर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन्स की क्या करवा दी, बम्बार्डमेंट करवा दी उसके ऊपर। जैसे ये बम्बार्डमेंट का मतलब होता है उसके ऊपर अटैक करवा दिया, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स मेड बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन गिवन एनालिटिकल सैंपल, उस एनालिटिकल सैंपल के ऊपर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन्स की क्या करवा दी, बम्बार्डमेंट। एंड द टारगेट सैंपल विल बिकम रेडियो एक्टिव। और तो जो हमारा रेडियो एक्टिव सैंपल था वो क्या जो हमारा सैंपल था वो क्या बन गया, रेडियो एक्टिव। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। आधा काम नाम से पता है, न्यूट्रॉन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। अब पढ़ क्या रहे, रेडियो केमिकल ट्रेसर टेक्निक। तो यानी कि जो हम पढ़ेंगे क्या, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के बारे में भी इसमें बातें होंगी। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि ये जो मेथड है इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेडियो एक्टिव पार्टिकल बनाएंगे। फिर बात आती है कि वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल बनेगा कैसे। हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन, तो यानी कहीं ना कहीं उसमें न्यूट्रॉन का रोल होगा। तो हमने क्या किया कि हमारे पास कोई एक हमारे पास क्या था, कोई एक नॉर्मल पार्टिकल था, उस नॉर्मल पार्टिकल के ऊपर हमने क्या किया, उस नॉर्मल पार्टिकल के ऊपर हमने न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई। जब हम उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो जो हमारा नॉर्मल पार्टिकल है वो किस में चेंज हो जाता है, सैंपल विल बिकम रेडियो एक्टिव, वो क्या बन जाता है, रेडियो एक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट क्या है कि एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस एंड रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल कैन बी मेजर्ड यूजिंग काउंटर्स। यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन, अब हमने न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो एंड रेडियो एक्टिविटी ऑफ सैंपल, और सैंपल कितना रेडियो एक्टिव हुआ है, ये सब कौन मेजर करते हैं, काउंटर्स। काउंटर हमारे पास बहुत सारे तरीके के होते हैं, सेंटीलेटर काउंटर होता है, GM काउंटर होता है, लिक्विड काउंटर होता है, बहुत सारे तरीके के काउंटर होते हैं, वो भी हम अपने आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो इतना हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं रेडियो केमिकल ट्रेसर टेक्निक्स। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमारे पास कोई सैंपल होता है, सैंपल के अंदर कोई एनालाइट होता है, उस एनालाइट की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होती है तो उसको डिटरमाइन करने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं वो कहलाती है रेडियो केमिकल ट्रेसर टेक्निक्स, ठीक है। इनके अंदर हम बेसिकली मेज़र करते हैं रेडियो एक्टिविटी, या फिर जो चेंज आ रहा है रेडियो एक्टिविटी के अंदर वो मेज़र करते हैं। तीन तरीके की होती हैं, आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस होता है, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता है, रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं। सबसे पहले हमने देखा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, 1947 के अंदर इन्वेंट किया गया था, बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही साइंटिफिक मेथड था। इसका यूज़ हम ट्रेस क्वांटिटी के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे थे। प्रिंसिपल वर्किंग क्या बोलता है इसका, कि इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक सैंपल है उस सैंपल को हम पहले रेडियो एक्टिव बनाते हैं। रेडियो एक्टिव किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले हमने क्या किया, उस पर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाई। जैसे ही हम उस सैंपल पे न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं वो सैंपल क्या बन जाता है, रेडियो एक्टिव बन जाता है। वो सैंपल ने अब देखो वो सैंपल हमारा रेडियो एक्टिव बन गया, लेकिन वो कितना रेडियो एक्टिव बना है, कितनी रेडिएशन उससे बाहर निकली है, कितनी रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किए, ये सारा कौन बताएगा हमें, ये हमें बताते हैं काउंटर, ठीक है। तो ये हम इसका प्रिंसिपल और वर्किंग के अंदर लिखेंगे। अब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं किस तरीके का हुआ, कि अगर हमारा ये आ जाए तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया है, ये हमारा कोई भी एनालाइट का सैंपल है, ये क्या है, हमारा कोई भी एनालाइट का सैंपल है। इस एनालाइट के सैंपल पे हमने क्या किया, न्यूट्रॉन्स डाले। डायग्राम जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर कोई भी आपका ये पढ़ने नहीं बैठता कि इसने क्या लिखा है, वो क्या करता है, डायरेक्ट आपके डायग्राम को देखेगा, उसको समझ आएगा हाँ इसने ये लिखा है। तो मतलब डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि थ्योरी नीचे का लिखा हुआ, ठीक है।
अगर आपको डायग्राम अच्छे से आते हैं तो वेल गुड आपके लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, एनालाइट का सैंपल है। एनालाइट सैंपल के अंदर हमने न्यूट्रॉन फ्लक्स फाई हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, इससे क्या होगी कुछ रेडिएशन। अब हमारा ये रेडियो एक्टिव बन जाएगा जब न्यूट्रॉन इस पर अटैक करेगा, तो इससे क्या होंगे रेडिएशंस बाहर निकलेंगे, तो उन रेडिएशंस को कौन मेजर करेगा, काउंटर मेजर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड इन दिस वे। अब ये किस वे के अंदर परफॉर्म किया जाता है, जो हमारे पास न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस मेथड होते हैं किस वे के अंदर परफॉर्म किया जाता है, तो इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक क्या होता है एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट मेथड के अंदर क्या होगा, इन दिस मेथड टू बी डिटरमाइन इज मेड रेडियो एक्टिविटी बाई स्लो न्यूट्रॉन एंड इट्स रेडियो एक्टिविटी आफ्टर सूटेबल केमिकल ट्रीटमेंट इज मेजर्ड विच गिव्स मास ऑफ द एलिमेंट। एब्सोल्यूट मेथड क्या बोलता है, देखो एब्सोल्यूट मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम क्या करते हैं एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात ठीक है, रेडियोएक्टिव बनाना है हमें एलिमेंट को। हमें ये भी पता है कि हमें अगर हमें रेडियोएक्टिव बनाना है तो हमें न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जो अब की बार जो न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होगी वो कैसी होनी चाहिए, स्लो न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होनी चाहिए। ठीक है, एंड दिस रेडियोएक्टिविटी आफ्टर सूटेबल केमिकल ट्रीटमेंट इज मेजर्ड विद अ गिवन मास ऑफ द एलिमेंट। और इसकी जो रेडियो एक्टिविटी है उसको हम मेज़र करेंगे विच गिव, जो कि हमें उस एलिमेंट के मास के बारे में बताएगी। तो ये हमारा था एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट मेथड में अगर दोबारा बताऊँ तो क्या होगा, इसके अंदर भी हम सबसे पहले पार्टिकल को रेडियो एक्टिव बनाएंगे तो न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होगी, बट जो न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होगी वो स्लो होगी, और जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक सूटेबल केमिकल ट्रीटमेंट के बाद का जो मास आएगा ना एलिमेंट के, उस हिसाब से होगी। जैसे मेरे को अगर एब्सोल्यूट मेथड से रेडियो एक्टिविटी फाइंड आउट करनी हो तो किस तरीके से निकालेंगे, ए इक्वल्स टू एन फाइव सिग्मा वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 0.693 टी डिवाइड बाई टी हाफ। ए क्या है यहाँ पर, रेडियो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल एलिमेंट। फाइव हम यहाँ पे न्यूट्रॉन फ्लक्स है। सिग्मा इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन है। टी इज द टाइम ऑफ न्यूट्रॉन फ्लक्स। टी हाफ इज द हाफ लाइफ ऑफ एनालाइट। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर, एब्सोल्यूट मेथड। इस मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि कितनी उसकी रेडिएशंस वहाँ से बाहर निकली है, उसकी रेडियो एक्टिविटी कितनी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस इक्वेशन को और भी सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। देखो हमें पता है एन इज स्मॉल, एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट बाई मॉलिकुलर वेट। तो एन, और जो एन है एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर होंगे, एन इंटू एन ए। एन ए क्या है यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर है। तो एन इज इक्वल टू एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, वेट अपॉन में मॉलिकुलर वेट इंटू में एन ए। अब ये जो कैपिटल एन की वैल्यू है उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो ए इज इक्वल्स टू ये वाली पूरी टर्म एंड देन फाइव सिग्मा ये वाली पूरी टर्म, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डब्ल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैथमेटिकल है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, बस नंबर ऑफ मोल्स निकाले, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई में आया और उसको ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट के दिस मेथड इज़ नॉट वेरी सेंसिटिव टिल सिग्मा वैल्यू इज नॉट नोन विद एक्यूरेसी। ये जो मेथड है, कौन सा मेथड, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, ये मेथड तब तक सेंसिटिव नहीं माना जाएगा जब तक कि जो सिग्मा वैल्यू है इसके अंदर वो नोन नहीं होगी। जब तक कि हमें सिग्मा वैल्यू नोन नहीं होगी, वो भी एक्यूरेसी के साथ, तब तक ये जो मेथड है ये सेंसिटिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन सकती है, इसकी लिमिटेशन बन सकती है कि दिस मेथड इज़ नॉट वेरी सेंसिटिव टिल सिग्मा वैल्यू इज नॉट नोन विद एक्यूरेसी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कि हम इसको और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेशन ऑफ एब्सोल्यूट मेथड कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग कंपैरेटिव मेथड। कंपैरेटिव मेथड, अब हम क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट मेथड के अंदर तो हमारे पास क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई कि अगर सिग्मा वैल्यू एक्यूरेसी के साथ नोन नहीं है तो वो
मेथड सुटेबल नहीं होगा। तो इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर एक कंपैरेटिवली मेथड यूज़ करते हैं जो है साइमल्टेनियस इरेडिएशन। जो हमारा यहाँ पर कंपैरेटिव मेथड है वो क्या है, साइमल्टेनियस इरेडिएशन ऑफ ए सैंपल एंड ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंटेनिंग नोन अमाउंट ऑफ सैंपल कैन बी डिटरमाइन। तो इस वाले मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि दोनों स्टैंडर्ड और अननोन सॉल्यूशन आर ट्रीटेड इज एन आइडेंटिकल वे। सो वेट ऑफ एक्स इन अननोन डिवाइड बाई वेट ऑफ एक्स इन स्टैंडर्ड। तो जो हमारा साइमल्टेनियस इरेडिएशन है उसके अंदर हम किस तरीके से उस सैंपल की जो है इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेट ऑफ एक्स इन अननोन, कोई भी हमारे पास एक्स अननोन सैंपल का वेट ले लेंगे और उसका स्टैंडर्ड के अंदर किसी एक अननोन ले लेंगे हमने, ठीक है, एक हमने स्टैंडर्ड में ले ली। इधर हम क्या करेंगे, उसकी टोटल एक्टिविटी ऑफ एक्स इन कंसंट्रेशन ए इज अननोन और ये वाले स्टैंडर्ड। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो लिमिटेशन है एब्सोल्यूट मेथड की उसको ओवरकम कर सकते हैं। अब हम एडवांटेज देख लेते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की। तो सबसे पहली है, दिस मेथड इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस मेथड। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिसिस मेथड होता है, किसी चीज़ में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। इट इज़ हाईली सेंसिटिव एंड परमिसेस द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट। यूजिंग दिस मेथड रेडियोएक्टिव हाफ लाइफ टाइम एनर्जी ऑफ आइसोटॉप कैन बी डिटरमाइंड बाई सेपरेट केमिकल ट्रीटमेंट। ये जो मेथड हुआ ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव होता है, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन होता है इसके अंदर। क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन का मतलब उसकी हाफ लाइफ के बारे में, एनर्जी ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में भी हम इसका, एनर्जी ऑफ आइसोटॉप्स को बताने में भी हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी एडवांटेज, इसकी न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस की। अब हम लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो लिमिटेशन क्या क्या होंगी इसकी, एलिमेंट फॉर विच न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इज नॉट सूटेबल, एलिमेंट ऑफ फॉर विच न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इज नॉट सूटेबल। एलिमेंट जो होता है ना वो सूटेबल नहीं होता न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। इस बात का मतलब क्या समझे, इस बात का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब तक वो पार्टिकल रेडियोएक्टिव नहीं बनेगा तब तक न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का कोई मीनिंग वहाँ पे बनता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी बम्बार्डमेंट करवा के उसको रेडियोकेमिकल बनाते हैं, देन हम उसको यूज़ करते हैं। सेकेंड है, ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट बिकम्स रेडियोएक्टिव टू सम एक्सटेंट आफ्टर इरेडिएशन, बट हाफ लाइफ ऑफ सम रेडियोएक्टिव पार्टिकल फॉर्म इज टू स्मॉल और टू शॉर्ट फॉर द रिमूवल ऑफ सैम्पल बाई केमिकल प्रोसेस और डिफिकल्ट टू मेजर देयर रेडियोएक्टिविटी, जैसे हीलियम, लिथियम, बोरोन, टंगस्टन, ऑक्सीजन एंड नियोन। ये क्या बोल रहा है इस वाले पॉइंट में, इसने ये बताया कि ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट हो सकते हैं ना, हम उनको सबको रेडियोएक्टिव कर सकते हैं कुछ एक्सटेंट तक आफ्टर इरेडिएशन, उसके ऊपर इरेडिएशन करने के आफ्टर इरेडिएशन उन एलिमेंट्स को हम कुछ देर तक क्या कर सकते हैं, रेडियोएक्टिव कर सकते हैं। बट जो हाफ लाइफ होता है कुछ रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स का वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो उसको हम मेज़र करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, जैसे कि हीलियम, लिथियम, बोरोन, टंगस्टन, ऑक्सीजन और नियोन, इन सब का। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल लिमिटेशन क्या होंगी, इन दिस मेथड हीट इज प्रोड्यूस एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग बम्बार्डमेंट। फिजिकल मतलब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज, तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब दो चीज़ें आपस में टकराएंगी तो वो उनसे क्या होंगी, और दो चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है और न्यूट्रॉन्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू बम्बार्डमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है, सो सम केमिकल्स गेट थर्मली डिकम्पोज। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो थर्मली क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। इसकी फिजिकल लिमिटेशन थी। केमिकल लिमिटेशन क्या होगी,
देयर मे बी केमिकल डिकम्पोजिशन सच एज स्ट्रक्चर डिकम्पोजिशन ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन. केमिकल लिमिटेशन क्या हो सकती है यहाँ पर? डिकम्पोजिशन हो सकता है, स्ट्रक्चर का डिकम्पोजिशन हो सकता है किसकी वजह से? जो रेडिएशन एक्सपोज हो रही है उसकी वजह से. सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही. न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आइसोटॉपिक डाइल्यूशन एनालिसिस. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट में. थैंक यू.